हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का जो भाग तीन है, भाग तीन पार्ट थ्री, उसमें फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मूल अधिकार। अधिकार का जो हमारा भाग है वह कौन से आर्टिकल को कवर करता है, तो हमने देखा ही था पहले ही, आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35, ठीक है। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 मूल अधिकार है। इसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि कितने अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो सबसे पहला जो है वो है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। दूसरा जो है वह है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। तीसरा जो है वह है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। और अंतिम में है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे पांच छह अधिकार हो गए। स्वतंत्रता जैसे हमें प्राप्त हुई, उसके बाद जब संविधान बना तो वहाँ मूल अधिकार सात थे। सातवां जो मूल अधिकार था वह था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। यह था आपका आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था वहाँ पर आप देखेंगे कि यह अधिकार हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में, ठीक है। और इसे क्या बना दिया गया, इसे एक लीगल राइट बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार 300A के तहत। तो ये चेंज आपको दिखा। तो अगर मूल संविधान में पूछेंगे तो सात अधिकार थे, बट अभी आप देखेंगे प्रेजेंटली ये छह अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इनकी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से अधिकार में क्या कुछ बातें कही गई है। सबसे पहला जो है वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार को पढ़ने से पहले हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जैसा मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया है कि जो राज्य शब्द है यह पॉलिटी में केवल एक राज्य को नहीं बताता, इसका मतलब केवल यह छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश इस टाइप के राज्यों को नहीं, बल्कि पॉलिटी में राज्य शब्द का जो अर्थ होता है वह बहुत ही वृहत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राज्य शब्द की जो परिभाषा है वह आर्टिकल 12 में दी गई है। अब 13th आर्टिकल की बात करें तो 13th आर्टिकल बोलता है कि यदि कोई ऐसा लॉ जो कि पूरे 14 से लेकर 35 तक के मूल अधिकारों में किसी भी अधिकार को क्या करता है, हनन करता है, या उस अधिकार को उसके खिलाफ कुछ अधिकार ऐसे कानून बना दिए जाएं यदि, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे और नल हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे पहले अधिकार की, जो है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। यह चलेगा आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक। तो अनुच्छेद 14 से 18 में क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या कहा गया। तो 14 में ये कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता एंड विधि का समान संरक्षण। तो ये दो बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समता, ये जो पहली पहली है इक्वालिटी बिफोर लॉ यहाँ पर आएगा। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है यह कहाँ से लिया गया है, यह शब्द ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, यह कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण यह जो कंसेप्ट है ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना, बहुत ही छोटी सी बात है। तो विधि के समान सभी, विधि के समक्ष सभी क्या हैं, सभी इक्वल है, यह बात कही गई है। देन दूसरे हम राइट के चले तो दूसरा जो हमारा सॉरी आर्टिकल है, राइट तो नहीं आर्टिकल, ठीक है,
हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वह है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 में कही गई है कि डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी नागरिक को उनके जन्म, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये जो बात कही गई ये आर्टिकल 16 के तहत कही गई। फिर हम चलेंगे इसी के आधार पर आपके जो भी वैकेंसीज वगैरह निकलती है, लेकिन यहाँ पर सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ कोई ना कोई अपवाद आपको दिखेगा। आर्टिकल 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी छुआछूत जो चलता था उसको जो है वो अंत किया गया है यहाँ। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 17। और आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इतने जो हैं आपके 14-18, ये आपके राइट टू इक्वालिटी का कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट राइट की, जो है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल नंबर आपका है 19 से लेकर 22 तक। तो इनकी बात अब कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वह है आर्टिकल 19, ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि। इसमें आपको ए बी सी डी ई एफ यहाँ तक दिखेगा, इसमें बहुत सारे और भी हैं बट उतना हम डीप में नहीं जाएंगे। फिर हम 20 को चलेंगे, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अपराध के विरुद्ध। ठीक है, या जो है आपका कन्विक्शन के विरुद्ध, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें ये कहा गया है कि जो भी अपराधी होगा उसके जो अधिकार है, उसके जो राइट्स है वह क्या क्या है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, यह है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में ही 21A जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट से, जिसे कहा गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए फ्री, निशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन को कहा गया, इसकी बात कही गई। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे 22nd आर्टिकल की। तो आर्टिकल 22 में लिखा गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसके क्या क्या अधिकार है, और यदि किसे डिटेन किया गया है, ठीक है, तो उसके क्या क्या अधिकार है। इसमें डिटेंशन जो है वो प्रिवेंटिव होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, और एक होता है पुनिटिव डिटेंशन। ठीक है, दो प्रकार के डिटेंशन की बात होती है, उतना डीप में हम फिर से नहीं जाएंगे। अब हम चलेंगे हमारे तीसरे अधिकार की ओर, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें जो आपको आर्टिकल दिखेगा वह दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 23 में कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब मानव तस्करी का जो है वो अंत करना है, या प्रोहिबिशन, उस पर लगाम लगानी है। ठीक है, मानव तस्करी और फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी को भी क्या करना है, उसको भी
खत्म करना है या बंद करना है। देन हम चलेंगे आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, रिस्की साइट्स एट्सेट्रा। मतलब ये बच्चों की, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की क्या करता है, ये रक्षा करता है या बोलता है कि उन्हें जो है वो जॉब में या रिस्कफुल वर्क में, ठीक है, जोखिम पूर्ण क्षेत्र में जो जॉब है वो उनको नहीं कराना है 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक, अब हम चलेंगे आर्टिकल, हमारे नेक्स्ट अधिकार वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये है हमारा आर्टिकल नंबर 25 to 28। तो इसमें क्या क्या है हम देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 25 ये बोलता है कि आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की आपको स्वतंत्रता है। फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म को आप क्या कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो भी आप धार्मिक कार्यक्रम वगैरह कराते हैं उसकी स्वतंत्रता आपको है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यक्रमों का, धार्मिक आयोजनों की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 बोलता है कि यदि आपने किसी भी धर्म के को क्या दिया हुआ है, कोई ऐसे जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्ट है उसमें आपने दान दिया, डोनेशन दिया, ठीक है, तो ऐसे डोनेशंस पे आपको क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स फ्री करता है डोनेशंस को ट्रस्ट में या किसी भी धार्मिक स्थल पर। ठीक, फिर 28 आर्टिकल बोलता है फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, राज्य पोषित जो है, ठीक है, उनको छोड़ करके या राज्य द्वारा जो फंड दिए जाते हैं उनको छोड़ करके वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक आप कोई भी क्रियाकलाप वहाँ नहीं करा सकते, ठीक है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और दूसरा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इसमें जो दो अधिकार हैं, इसमें सॉरी दो आर्टिकल्स हैं, 29 और आर्टिकल नंबर 30। तो आर्टिकल नंबर 29 में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो भाषा है, उनकी जो लिपि है, ठीक है, और उनका जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वो अपने प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 ये बोलता है कि जो भी मान लीजिए कि कोई माइनॉरिटी है और वो कोई संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, तो वो भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चला सकते हैं और उनके पूरे अधिकार उनको प्राप्त हैं, ठीक है, जहाँ पर वह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, बस वह राज्य पोषित ना हो। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 32 की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और इसी में ही है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी भी व्यक्ति की क्या हो रही है, मान लीजिए कि उसके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 ये आगे पढ़ेंगे हम, हाई कोर्ट्स में पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 32 के तहत वह कहाँ जा सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अपने अधिकार को बचाने के लिए या उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए। और आर्टिकल 226 के तहत वह कहाँ जा सकता है, वह जा सकता है हाई कोर्ट। तो ये दो जगह इसका उल्लेख मिलेगा आपको। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, रिट्स जारी की जाती है। रिट एक शब्द, एक आप बोल सकते हैं कि एक आदेश ही है, ठीक है, और अलग अलग प्रकार की रिटें होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस उनके नाम आप जान लीजिए। पहला रिट को कहा जाता है हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस हिंदी में कहा जाता है सशरीर उपस्थित करो। दूसरे रिट को कहा जाता है मैंडमस, मैंडमस
इसका हिंदी शब्दावली है परमादेश। तीसरे रिट को कहा जाता है सर्श्योरी, सर्श्योररी, ठीक है, सर्श्योरी। इसे कहा जा, इसको हिंदी में कहा जाता है उत्प्रेषण। और चौथे रिट को कहा जाता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिट करना, तो आप समझते होंगे इसको। और जो हमारा पांचवा रिट है उसे कहा जाता है कुओ वारंटो, अधिकार प्रेक्षा। ठीक, तो ये इस तरह से 1, 2, 3, 4 ये 5 रिट जारी होती है। अलग अलग रिटों पर अलग अलग क्या है उसके प्रावधान है, किसके खिलाफ वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे इम्पॉर्टेंट जो आप बोल सकते हो कि वो नहीं है, आपके कोर्स के लिए इतना जानना काफ़ी है। फिर हम बात करें कि इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, केवल, और फॉरेनर्स मतलब विदेशी नागरिकों को कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि 15, 16, ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल और केवल किनको प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। मतलब यहाँ पर उनको छोड़ करके एक्सेप्ट ये 5 जो हमने देखे, इन 5 को छोड़कर फॉरेनर्स को बाकी सारे मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। यह क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 31 के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया, और आर्टिकल जो 32 है मैं अभी देखा तो पिछले क्लास में जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 32 है हमारा, उसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनसे पूछा गया कि आपको सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूरे संविधान में कौन सा लगता है, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32, यही संविधान की आत्मा और हृदय उन्होंने कहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो ऐसे ही सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको आप याद कर लीजिएगा और थोड़ा सा इसको नोट्स में बना लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, पार्ट 3 कंप्लीट हुआ, पार्ट 4 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।